नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। अमेठी में हाल ही में हुए एक हत्याकांड ने पूरे देश के अंदर हड़कंप मचा दिया है। इस घटना में एक दलित शिक्षक सुनील कुमार और उसकी पत्नी पूनम और दो मासूम बेटियों की हत्या कर दी गई। घटना अमेठी के शिवरतगंज इलाके में घटित हुई है, जहाँ पर हत्यारों ने घर में घुसकर लगातार गोलियां चलाईं। इस घटना ने न केवल पीड़ित परिवार को बल्कि पूरे समाज को झंझोड़कर रख दिया। दरअसल गुरुवार की शाम को ही इस घटना में चार लोगों की हत्या हुई है और पुलिस के अनुसार हत्यारे से 7 बार गोलियां चलाते हुए नजर आए हैं, जिसमें सुनील कुमार, उनकी पत्नी और दोनों बेटियां जो कि एक ही उम्र की यानी कि 5 वर्ष के आसपास की थी और दूसरी की उम्र 1.5 वर्ष के आसपास बताई जा रही। जबकि पुलिस से घटना स्थल पर जब पहुंची है तो वहां पर खून से लथपथ शव बिखरे पड़े हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये सोची समझी एक साजिश के तहत हत्याएँ की गई। चार लोगों की हत्या के मामले में IG प्रवीण कुमार का बयान आया, आपको सुनवाते हैं कि IG साहब क्या कहते हुए नजर आए हैं। घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है, हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है, और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, हत्या का मोटिव जो है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि हत्या की गई है लूट के इरादे से। ये ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पे बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। जनपद का कुछ इशारा है जो मैंने आपको कह दिया कि इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस हम लोग बहुत नज़दीक हैं, जल्दी इसको घटना कराना। थैंक यू। दरअसल मृतक के पिता रामगोपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि किसने हमारे बच्चों को मारा है, हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। उनके इस बयान ने पूरे मामले को एक और गंभीर स्थिति में डालते हुए नजर आए हैं और रामगोपाल ने यह भी बताया है कि उनका बेटा सुनील एक ईमानदार शिक्षक था और उसकी किसी से भी कोई भी दुश्मनी हो ही नहीं सकती। इस घटना के बाद अमेठी के सांसद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है। उन्होंने परिवार से ये कहा है कि वो इस दुखद घटना के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आपका दुख हमारा दुख है, और इसके अलावा सोनिया गांधी ने भी परिवार के प्रति दुख व्यक्त किया। राहुल गांधी ने मृतक के पिता से ये कहा और बातचीत में कि न्याय दिलाने और हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हर एक प्रयास किया जाएगा। आपको दिखाते हैं एक पुरानी वीडियो जिसमें मृतक के पिता राहुल गांधी से बात करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और किस तरह से बातचीत जो है वो कर रहे हैं। बोला कि हमारे वार्ड से जाकर पीछा कर रहा तो उसने मतलब अपने के साथ डाला सरकार के थी, और सरकार जो है हमको पता नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी जिन्हें जाए और अपने यहाँ से पूरा पढ़ाई लिखा रहा आराम जिनको सही दिया था। अब उसको शायद हम जानते नहीं हैं। अब जिसे किसी को फोन मारा, किसने मारा, कितने आदमी रहे, तो शायद उसको हम क्या जाने। हम अपने घर में हैं, हमको जो लोग खाना वाना खाए, 8:30 बजे तक हम लड़के के पास फोन हरदम लगाते थे, बेटा क्या हाल है, हमारी खातिर खाना खाए नहीं खाए, पापा नहीं, तो गरीब पढ़
कार्रवाई तो ऐसा है उसका हमने करती है उनको इतना है कि मतलब एकदम तो ना हो ठीक है भैया। मैं ना इसलिए पुलिस को भी कॉन्टैक्ट में हूँ सबसे हैं कि जो उन्होंने दो तीन चीज़ें बताई हैं उनको थोड़ा कॉम्पनसेशन मिलेगा समाज कल्याण से, तो वो भी पुलिस रिपोर्ट करेगी उससे बात होता है वो सारा मतलब भाई तो जैसा भी होगा शांत होगा। इस हत्याकांड का आरोपी चंदन वर्मा बताया जा रहा है जो रायबरेली का निवासी है, और पुलिस की जानकारी ये भी है कि चंदन वर्मा का परिवार भाग गया है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। जांच में ये भी निकलकर सामने आया है कि आरोपी ने घटना से पहले अहोरवा भवानी धाम दर्शन किया था और उसके बाद वो सीधा सुनील के घर भी पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए और इस हत्याकांड में अमेठी जिले में डर और सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लोग इस घटना से डरे हुए हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले को लेकर न्याय की गुहार लगा दी है और पीड़ित परिवार के लिए मदद की लगातार अपील की जा रही। अमेठी हत्याकांड न केवल एक परिवार के लिए एक दुखद खबर है बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि किस प्रकार से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा। इस घटना के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन जल्दी कार्रवाई करेगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगा और किस वजह से ये चार लोगों की हत्या की गई है इसकी भी कहानी को सुलझाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।